पूरा विश्व परेशान था, इस महामारी के दौर से गुजर रहा था, तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर कि आपदा को अवसर में बदलो, रेलवे ने सबसे ज्यादा इसका सदुपयोग किया। जितने भी रेलवे के मेंटेनेंस काम थे उसे पूरा किया गया यहाँ पर, कि किस तरीके से रेलवे के जितने अधूरे काम है, चाहे लाइन के जो डबलिंग का काम हो, विद्युतीकरण का काम हो, आज देश में अगर कुछ हेरिटेज साइट्स को छोड़ दे निकले तो आप ये समझ जाइए कि हेरिटेज साइट्स को छोड़ के लगभग सभी जितने नैरो गेज थे, स्टैंडर्ड गेज थे, उनको ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। तो अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं उनके साथ में, और ये हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, एक नया इतिहास रचा जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देखा जा सकता है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है, और एक के बाद एक, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन रेलवे की यात्री सुविधाओं में, गति में, सुरक्षा में, संरक्षा में, उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है, और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी, तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए, उनके साथ में तमाम गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। ये ट्रेन अब अपने गंतव्य के लिए चल पड़ी है, प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक्त नागपुर में, हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, जो यात्री हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस पहली बार इस ट्रेन में सफर करके, यात्रा करके। तो वंदे भारत, छठी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है, नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, और महज 5 घंटे 20 मिनट में ये यात्रा तय होगी, जो 7 घंटे 8 घंटे की पहले यात्रा होती थी वो इस शानदार सुविधाजनक ट्रेन में महज 5 घंटे 20 मिनट में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यात्री बैठे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये, इस लिहाज से भी कि भारतीय रेलवे में जो आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की बात कही गई थी वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पड़ने लगी है, और एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनें हम देख रहे हैं कि लगभग हर महीने किसी न किसी स्थान पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है, और अगले 3 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया है वो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरे देश भर में, 27 से अधिक रूट्स पर इनको चलाया जाएगा, और ख़ास तौर पर जो ट्रेन की सुविधाओं की को बढ़ाने की बात कही गई है वो बहुत उच्चतम स्तर पर ले जाया जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी गति हो सकती है। तो इतिहास रचा गया है, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री ने, और यात्री बेहद उत्साहित हैं। ये इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साक्षी प्रधानमंत्री स्वयं बन रहे हैं, इससे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है ये समझा जा सकता है। तो इस इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ तमाम लोग, देश इसका साक्षी बन रहा है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया मील का पत्थर, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर वो गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री,
और प्रधानमंत्री को रेलवे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी यहाँ भेंट की जा रही है, जिसमें रेलवे की जो एक जो विकास सुविधाएं हैं उसका खाका पेश किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण रेलवे की के कायाकल्प के लिए। हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि 2014 में एक महीने में महज 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाता था और अब एक सप्ताह में 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूरे देश में जो हेरिटेज रूट्स हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगह पर जो आवागमन के मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उनका दोहरीकरण किया गया है। जो विद्युतीकरण है वो भी लगभग पूर्ण किया गया है, बहुत तेज़ी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेनों की गति है वो बढ़ी है और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का दौर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का साक्षी बन रहा है। ये छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया, बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन, जाएगी रायपुर के रास्ते, 5 घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण और प्रधानमंत्री